नमस्कार, राज की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज बात होगी उत्तराखंड में चल रहे जोशीमठ संकट की। तमाम सवालों के जवाब आपको अगले आधे घंटे के दरमियान हम देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला और अहम सवाल ये कि जोशीमठ के ताजा हालात क्या है, जोशीमठ पर बिजली संकट का खतरा क्यों मंडरा रहा है, बद्रीनाथ हाईवे पर भी जोशीमठ जैसा संकट कैसे मंडराने लग गया, जोशीमठ को बचाने के लिए आखिरकार सरकार क्या कर रही है, सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, विकास और विनाश से जुड़ा हुआ सुषमा स्वराज का कौन सा वो बयान जो अब वायरल हो रहा है। सबसे अहम सवाल यह कि जोशीमठ में मचे हाहाकार के बीच आखिर जिम्मेदार कौन, देवभूमि में अब तक की 5 सबसे बड़ी आपदाएं कौन सी है वो भी आपके सामने रखेंगे, और क्या हिमाचल में भी जोशीमठ जैसे यानी उत्तराखंड जैसे हालात हो सकते हैं। ये वो तमाम सवाल है जिन पर चर्चा करना बेहद अहम हो जाता है, जिनकी बारीकियों को समझना बेहद जरूरी। इन्हीं पर अगला आधा घंटा आपको दिखाएंगे तमाम वो चीजें जो आपके लिए जानना और समझना बेहद जरूरी। उत्तराखंड का जोशीमठ लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पिछले साल तक जिसने भी जोशीमठ का नाम सुना वो भगवान बद्रीनाथ की पालकी के लिए ही सुना था। इसके अलावा हिल स्टेशन पर हजारों सैलानी आते हैं, मगर इन दिनों ये शहर दर्द से कर्रा रहा है। आदियुग शंकराचार्य की तपस्थली जोशीमठ में भूधसाव हो रहा है। इतना ही नहीं, अब तक जोशीमठ में बिजली संकट यानी ब्लैकआउट का खतरा भी मंडराता दिखता है। राज की बात यह कि जोशीमठ का मसला अज्ञानता, उदासीनता और खराब नीतियों का एक ऐसा मेल है जिसमें मुनाफे के लालच में पहाड़ों की नाजुक जमीन को चीर कर रख दिया। क्या है जोशीमठ का ताजा हाल, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जोशीमठ में खतरनाक हुए हालात, झुकने लगे बिजली के खंभे, बारिश बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें, अंधाधुंध विकास की कीमत झेल रहा हूं मैं जोशीमठ बोल रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मदद की गुहार लगा रहा हूं। हां, मैं जोशीमठ बोल रहा हूं। देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ में मकानों में दरार पड़ने का सिलसिला अभी थमा भी नहीं था कि जोशीमठ पर एक और संकट आ चुका है। करीब 70 बिजली के खंभे और कुछ ट्रांसफार्मर झुकने शुरू हो गए हैं। इन हालात में लोगों को डर है कि किसी भी समय बिजली सप्लाई बाधित हो सकती है और शहर अंधेरे में डूब सकता है। जोशीमठ में भूखसन के चलते जो खंभे और ट्रांसफार्मर झुक गए हैं उनसे आपदा प्रभावित घरों में शॉर्ट सर्किट का खतरा बना हुआ है। इसी आशंका के कारण प्रभावित इलाकों में पावर सप्लाई की निगरानी के लिए कर्मचारियों को लगातार भेजा जा रहा है। जिन घरों से लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं उनके घरों की बिजली सप्लाई काट दी गई है। जो अब भी घरों में हैं, उनके घरों में बिजली की सप्लाई जारी है। जोशीमठ में लगातार दरक रही जमीन और भू खसाव के चलते उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन निगम के खंभे और बिजली के तार खतरे की जद में हैं। बिजली की लाइन कभी भी जमींदोज हो सकती है। जोशीमठ में जमीन तेजी से धस रही है जिसके चलते मकान, दुकान, होटल और फुटपाथ, यहाँ तक कि यहाँ की ऐतिहासिक रोप वे भी दरारों के दायरे में हैं, और ये भी दायरा हर गुजरते दिन के साथ चौड़ा होता जा रहा है। जोशीमठ को बचाने की हम बात कर रहे हैं उसका अपना अलग ही महत्व है। जोशीमठ उत्तराखंड का अहम धार्मिक केंद्र माना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली है। बद्रीनाथ मंदिर से दूरी 45 किलोमीटर है। जोशीमठ बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा के रूट पर पहला पड़ाव है। यहाँ से पवित्र स्थल तपोवन की दूरी 14 किलोमीटर है। जोशीमठ में ITBP का कैंप भी है, इसलिए जोशीमठ सुरक्षा के लिहाज से भी काफी खास है। उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। जोशीमठ के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। शासन प्रशासन के लिए जोशीमठ को बचाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। ना सिर्फ किसी अध्ययन की बल्कि जरूरत है कड़ी कार्रवाई की, ताकि जोशीमठ किसी हादसे का नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव का उदाहरण बने।
सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने जोशीमठ के लोग किस तरह डर के साए में जीने को मजबूर हैं। लेकिन अब चिंता की बात यह कि जोशीमठ का संकट बद्रीनाथ हाईवे तक पहुंच चुका है। बद्रीनाथ हाईवे पर भी दरारें आनी शुरू हो चुकी है। राज की बात यह कि सीमांत जिले चमोली के जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी करीब 46 किलोमीटर है। बद्रीनाथ से आगे का रास्ता चीन सीमा की ओर जाता है। चीनी सेना की ओर से सीमा पर घुसपैठ की चुनौती को देखते हुए केंद्र सरकार का जोर सीमा पर सड़कों का नेटवर्क तैयार करने पर रहता है। ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। बद्रीनाथ मार्ग है, उसमें एक जगह कुछ दरार की सूचना हमें आई थी, तो सीबीआरआई की टीम द्वारा उसका स्थलीय निरीक्षण किया गया था। तो उनके द्वारा बताया गया था कि जो लोकल रोड का सेटलमेंट है, ये उसके कारण है। बद्रीनाथ हाईवे तक पहुंचा जोशीमठ संकट। अब बद्रीनाथ हाईवे पर आई दरारें, एक्सपर्ट टीम ने किया दौरा। उत्तराखंड के शहर जोशीमठ का संकट बद्रीनाथ हाईवे तक पहुंच गया है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी 1-2 मीटर तक दरारें आ गई हैं। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन दरारों को देखने के बाद इलाके के लोगों में डर का माहौल है और इस बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये दरारें चिंता की बात नहीं है, बद्रीनाथ में यात्रा शुरू होने से पहले इन्हें ठीक कर दिया जाएगा। बद्रीनाथ में मई में यात्रा शुरू होती है। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि बद्रीनाथ हाईवे पर दरारों की सूचना मिली है। इसे लेकर एक्सपर्ट की टीम मौके पर भेजी गई थी। टीम ने जांच कर दरारों की सूचना दी है। बद्रीनाथ मार्ग है, उसमें एक जगह कुछ दरार की सूचना हमें आई थी, तो सीबीआरआई की टीम द्वारा उसका स्थलीय निरीक्षण किया गया था। तो उनके द्वारा बताया गया था कि जो लोकल रोड का सेटलमेंट है, ये उसके कारण है। उसमें जो समस्त विभाग है हमारे, पीडब्ल्यूडी है, बीआरओ है, NHIDCL है, उनको हमारी जो सभी मशीनें सार्वजनिक जगहों पर तैनात करने के निर्देश दे दिए हैं कि अगर कहीं पर मार्ग बाधित होता है तो तत्काल उसको खोलकर वो आगे कार्रवाई करें। जोशीमठ आपदा की वजह से बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस वक्त सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में बद्रीनाथ के लिए हेलिंग बाईपास का काम शुरू करने के लिए IIT रुड़की पहले परीक्षण कर रही है, जिसके बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब सवाल ये कि जोशीमठ को बचाने के लिए आखिरकार सरकार कर क्या रही है, सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जा चुके हैं। जोशीमठ में लगातार खराब होते हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने जोशीमठ को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है और वहां कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बैन भी की जा चुकी है। जोशीमठ बचाने का मेगा प्लान तैयार, एक्शन मोड में केंद्र और राज्य सरकार, कब थमेगा ये हाहाकार। उत्तराखंड के सीमांत चमोली जिले के आपदाग्रस्त जोशीमठ शहर को बचाने के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपदा पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि, जोशीमठ में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है, औली में सेना का कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, कमजोर इमारतों को गिराया जा रहा है, 3 चरणों में इमारतों को ढहाया जाएगा, जोशीमठ औली रोपवे बंद कर दिया गया है, शिफ्टिंग के लिए फैब्रिकेटेड बिल्डिंग बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ CBRI की ओर से भी इमारतों और घरों में क्रैक मीटर भी लगाए गए हैं। जोशीमठ में आई समस्या का अध्ययन करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जोशीमठ संकट से सरकार कैसे निपटती है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इसी बीच जोशीमठ को लेकर विकास बनाम विनाश पर बहस तेज हो चुकी है। आजादी के बाद से आई सभी सरकारों पर तोहमत लगाई जा रही है। इसी कड़ी में संसद में स्वर्गीय सुषमा स्वराज का दिया एक बयान खूब वायरल हो रहा है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने पहाड़ों में चल रहे विकास कार्यों को विध्वंसक करार दिया था। उसका कारण क्या था, आप भी सुनिए।
सभापति जी, इसके साथ एक और प्रश्न खड़ा हुआ है, विकास वर्सेस विनाश का। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, नदियों पर बांध बनाने की, ये उसका नतीजा है। हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम अरबों खरबों रुपया खर्च करके विकास करते जाते हैं, प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाश लीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। कब आंखें खुलेंगी हमारी? क्या इस त्रासदी के बाद भी नहीं? क्या इस आपदा के बाद भी नहीं? वहां एक धारी देवी का मंदिर है, उत्तराखंड की रक्षक कहा जाता है उनको, उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी। उन धारी देवी के ऊपर भी एक विद्युत परियोजना चल रही है जिसमें धारी देवी को जलमग्न करने की योजना थी। तो यह बयान आपने सुना स्वर्गीय सुषमा स्वराज का। यह बयान सुनने के बाद सवाल उठता है कि विकास के नाम पर हम जो विध्वंस कर रहे हैं, क्या ये त्रासदी वाकई उसी का परिणाम है? इन दिनों जोशीमठ शहर पूरी पूरी रात जग रहा है। यहां के घरों और सड़कों पर दरारें पड़ती जा रही है, लोगों के घर गिर रहे हैं। राज की बात ये कि विशेषज्ञों ने इस संभावित खतरे के बारे में बार बार चेताया, लेकिन इन चेतावनियों पर कार्रवाई करने में सरकार विफल रही। आखिरकार जोशीमठ के धसने के पीछे का कारण क्या है, समझने के लिए देखते हैं हमारी अगली विशेष रिपोर्ट। जोशीमठ में दरकते पहाड़, कौन जिम्मेदार? कुदरत से खेलो फिर झेलो, क्या विकास ही बनेगा विनाश का कारण? उत्तराखंड के जोशीमठ में नए साल के दूसरे तीसरे दिन से ही धरती चीरकर मलबे सहित निकलता पानी और धसती जमीन बिना भूकंप के बड़ी चेतावनी है। विकास और बेतरतीब बस्तियों को बनाने, बढ़ाने और सवारने का सिलसिला चेतावनियों के बाद भी क्यों नहीं रुका? उत्तराखंड पहले ही कई भयावह तबाही देख चुका है, भविष्य में जोशीमठ की क्या स्थिति होगी कोई नहीं जानता। ये संरक्षित किए जाने वाले इलाकों में अंधाधुंध विकास के नाम पर प्राकृतिक संरचनाओं से छेड़छाड़ का ही नतीजा है। दुखद पहलू ये है कि क्या देश और क्या दुनिया सबके सब जानकर भी अनजान रहकर बदस्तूर प्रकृति को ही चुनौती देकर अपने विकास की गाथा लिखने में मशगूल रहते हैं। आज जोशीमठ में दरकते पहाड़ों के लिए किसे कसूरवार ठहराना चाहिए? आदि शंकराचार्य के बसाए जोशीमठ के इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? एनटीपीसी का सुरंग वाला प्रोजेक्ट, अलकनंदा नदी का तेज बहाव, भूस्खलन के मलबे और ढलान पर शहर, सतह में चट्टाने कम और मिट्टी ज्यादा, कमजोर चट्टानों पर बसा है जोशीमठ, खराब ड्रेनेज सिस्टम से पानी का रिसाव, पानी रिसाव से कमजोर हो गई नींव, क्षमता से ज्यादा निर्माण कार्य, चेतावनी के बावजूद बड़े कंस्ट्रक्शन जारी रहे, शहर को बसाने में प्रॉपर टाउन प्लानिंग नहीं। जोशीमठ में 700 से भी अधिक मकानों में दरारें आ चुकी हैं और वो मकान गिरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जितने भी पहाड़ी प्रदेश हैं वहां पर पहाड़ों पर पत्थर होते हैं और पत्थरों के नीचे मिट्टी होती है। बारिश के कारण से या झरनों का जो पानी है वो पत्थरों के नीचे से लगातार रिसाव करता रहता है। इसी तरह बरसात का जो पानी है वो पत्थरों के नीचे से, पत्थरों के ऊपर से रिसकर जमीन में जाता रहता है और इस कारण से जमीन खोखली होती चली जाती है। और जिन मकानों के नीचे पानी का रिसाव लगातार होता रहता है वहाँ की जमीन खोखली होने के कारण से मकान जमीन में धंसने लगते हैं, धीरे 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 करके धंसते हैं और इसलिए दरारें नजर आने लगती हैं। जोशीमठ आपदा के क्या कारण रहे होंगे, इसी की जांच पड़ताल के लिए गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान की 14 सदस्यीय टीम भी जोशीमठ में डेरा डाला हुआ है। ये टीम इसके भौगोलिक, प्राकृतिक सहित आपदा के कई पहलुओं पर काम कर रही है। जोशीमठ में जो ये आज दरारें आ रही हैं, वहाँ के लोगों को जितनी परेशानी हो रही है, ऑब्वियसली एक बड़ा एक कठिन स्थिति है वहाँ के लोगों के लिए, पर प्राकृतिक आपदा है, पर इसके कई कारण हो सकते हैं।
हमारे गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान जो हमारा मुख्यालय अल्मोड़ा में है, वहाँ की एक टीम हमने गठित करी है जिसमें हमारे वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं और काफ़ी मल्टीडिसिप्लिनरी अलग अलग विषयों के हमारे वैज्ञानिक वहाँ पे जोशी मठ की साइट पर गए हुए हैं और हमारे साथ जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है वो हमारे साथ काम कर रहा है, वो जियोलॉजिकल आस्पेक्ट को देखेंगे और हमारे जो साइंटिस्ट हैं इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल आस्पेक्ट को उस पर स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए इस समय अभी हमें कहना क्योंकि अभी हमारे साइंटिस्ट अभी ऑन स्पॉट वहाँ पर अवेलेबल हैं और वो काम कर रहे हैं, तो अभी मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी कुछ कह पाना जब तक हमारे पास आंकड़े ना आ जाएं, साइंटिफिकली डाटा ना आ जाए, उस टाइम मेरे ख्याल से हम ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे उसके क्या परिस्थिति के कारण रहे हैं और क्या उसके जियोलॉजिकल कारण रहे हैं। और पर इसके हम जल्दी हम काम करेंगे और हम इस रिपोर्ट को उत्तराखंड सरकार और मंत्रालय को जल्दी प्रस्तुत करेंगे और आपके सामने असली आंकड़े आएंगे किस तरह से ये क्या घटनाएँ किस कारण इसके घटित हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि जोशी मठ में ये हालात अचानक पैदा हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस खतरे को लेकर सरकारों को दशकों पहले आगाह किया गया था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। एक बार नहीं बल्कि बार बार चेतावनी जारी की गई, लेकिन सियासतदानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। 1939 में स्विस एक्सपर्ट ने जोशी मठ में तबाही की चेतावनी दी थी। प्रोफेसर अर्नोल्ड हेम और प्रोफेसर गैंसर ने चेतावनी दी थी। रिपोर्ट में लिखा था कि जोशी मठ लैंडस्लाइड के ढेर पर बसा है। 1976 में मिश्रा कमेटी ने कंस्ट्रक्शन पर चेतावनी दी थी। रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि इरोटिक बोल्डर को ना तोड़े, कंस्ट्रक्शन और ब्लास्टिंग तो बिल्कुल ही ना हो। 2010 में करंट साइंस जर्नल में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि पहाड़ को खोखला किया जा रहा है। साथ ही रिपोर्ट में लिखा गया था कि प्रकृति के बनाए जल भंडार में छेद ठीक नहीं है। जोशी मठ पहाड़ के ढलान पर बसा है, ये जानते हुए भी इस संतुलन को चुनौती देने की कोशिश की गई, जिसे प्रकृति ने एक झटके में सहन सीमा से अधिक होने पर नकार दिया। जोशी मठ में दिनों दिन तेजी से दरकते मकान और खिसकते पहाड़ ने जता दिया है कि प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने के क्या नतीजे हो सकते हैं। सूर्या समाचार के लिए कुल्लू से अनिल कांत की रिपोर्ट। समय समय पर देवभूमि उत्तराखंड पर आपदाओं का पहाड़ टूटता रहता है। कभी ग्लेशियर का फटना, कभी भूकंप आना, तो कभी भारी लैंडस्लाइड होना। राज की बात ये कि प्राकृतिक आपदाएं हमारी उन गलतियों का ही परिणाम जिन्हें हम आज भी अक्सर दोहरा देते हैं। ये तबाही क्यों हुई, इसका पता लगाने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। चलिए अब आपको अपनी अगली रिपोर्ट में देवभूमि में अब तक की 5 सबसे बड़ी आपदाओं के बारे में विस्तार से बताते हैं। प्रकृति अक्सर में हमें हैरान करती है। हम बार बार उसकी ताकत को नजरअंदाज करते हैं और इसके नतीजे विनाशकारी होते हैं। उत्तराखंड के जोशी मठ में जमीन धंसने का सिलसिला जारी है, साथ ही जमीन से लगातार पानी रिस रहा है। आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील है। यहाँ कभी भूकंप से तबाही मचती है तो कभी जल प्रलय से। देवभूमि उत्तराखंड में भी समय समय पर आपदाओं का पहाड़ टूटता रहा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कब कब देवभूमि पर कुदरत का कहर बरपा। नैनीताल भूस्खलन 1880। लगातार बारिश से नैनीताल क्षेत्र में भूस्खलन हो गया था, 151 लोग जिंदा दफन हो गए थे। इनमें 108 भारतीय और 43 ब्रिटिश नागरिक शामिल थे। नैना देवी मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचा था। 6.8 रेक्टर स्केल का भूकंप आया था, 768 लोगों की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, भूकंप से हजारों घर तबाह भी हो गए थे। 18 अगस्त से पिथौरागढ़ में बड़ी तबाही मची। मालपा गांव में चट्टान सरक गई, 225 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई। मृतकों में 55 लोग मानसरोवर यात्री थे। मलबे ने शारदा नदी का जल प्रवाह रोक दिया था, इसके चलते कई गांवों में घुस गया था पानी। केदारनाथ आपदा 2013।
बाढ़ ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना हुई। केदारनाथ मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा। चमोली आपदा 2021, हिमाचल का एक हिस्सा नीचे घाटी में गिर गया था। 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हजारों करोड़ के हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट बर्बाद हो गए थे। अब साल 2023 में जोशीमठ में जो हो रहा है वो सबके सामने है। जमीन के धसने से पूरा जोशीमठ धस रहा है। सड़कों भवन रहने लायक नहीं बचे। कई जगहों पर जमीन पर चौड़ी दरारें उभरने लगी है। पिछले ही साल उत्तराखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने जोशीमठ पर मंडराते खतरे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। इन तमाम चेतावनियों के बाद जोशीमठ को बचाने के प्रयास नहीं हुए, बल्कि वहां भारी भरकम इमारतों का जंगल उगता गया। अब 20 से 25 हजार की आबादी वाला ये शहर अनियंत्रित विकास की भेंट चढ़ रहा है। ये सही है कि कुदरत पर किसी का वश नहीं है, लेकिन समय पर कदम उठाकर नुकसान को तो कम किया ही जा सकता है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब ये तो बात हो गई उत्तराखंड की, लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि क्या हिमाचल में भी जोशीमठ जैसे हालात हो सकते हैं। राज की बात ये कि उत्तराखंड का जोशीमठ जिस तरह डूब रहा है, वैसी ही कहानी हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों से भी सामने आ रही है। बिलासपुर, मंडी, शिमला और मैक्लोडगंज में सड़कों पर दरारें आना शुरू हो चुकी है, जो अपने आप में चिंता का विषय है। ये रिपोर्ट आपकी नजर। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने के हाहाकार की आहट अब हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाकों में सुनाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से जो संकेत मिल रहे हैं, यकीनन वो शासन प्रशासन के साथ ही वहां रहने वाले बाशिंदों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहे हैं। लकीरें भी ऐसी जो शायद प्रकृति के साथ खिलवाड़ का परिणाम है, जो ये चीख चीख कर संदेश दे रही हैं, विकास की अंधी दौड़ में जब भी प्रकृति की अनदेखी होगी तो तबाही निश्चित है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी का पावन धाम है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यदि जल्द ही पहाड़ों की खुदाई के कार्य पर रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में हालात उत्तराखंड के जोशीमठ के जैसे हो सकते हैं। आने वाले समय में ये धार्मिक स्थल भी भूस्खलन से समाप्ति की कगार पर आ जाएगा। आज जोशीमठ की बात हो रही है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जोशीमठ में तो नीचे से और भी प्रोजेक्टों के काम चले हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ना रेलवे लाइन का काम है ठीक नैनादेवी से नीचे है, फोर लाइन लेन का काम है वो और किनारे पे है, लेकिन जब आपकी इतनी बड़ी बड़ी टनल्स निकल रही है, रेलवे लाइन के साथ साथ जो 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 टनल्स बन रही है उसका प्रभाव भी नैनादेवी के इस मंदिर और इस शहर के ऊपर और इस पहाड़ी के ऊपर पड़ेगा। कहीं कल को ऐसा ना हो कि ये जोशीमठ की तरह जो है माता नैना देवी के भी यहाँ पे इस प्रकार का स्खलन हो और लोगों की तबाही हो जाएगी, मैं कहना चाहता हूँ। मतलब साफ है, पूर्व मंत्री जी ये मानते हैं कि विकास की आंधी ने पहाड़ों का गला घोंटने का काम किया है। अब जरा उन स्थानीय लोगों की भी सुन लीजिए जो 1978 में हुए भूस्खलन के साक्षी हैं। सन 1978 में नैना देवी में एक बहुत बड़ा जलजला आया था, लैंडस्लाइड, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ था। उसमें सैकड़ों परिवार जो है यहाँ पर प्रभावित हुए थे। उसके बाद जलजल डिपार्टमेंट ने यहाँ पे सर्वे किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ये सारा जो पहाड़ है वह जर्जर पहाड़ है, इस पर ओवरलोडिंग ना की जाए, क्योंकि जो 1978 में जो लैंडस्लाइड हुआ था, मैं और मेरा परिवार भी उसमें प्रभावित हुआ था। हमें रातों रात अपने मकान छोड़कर के वहाँ अन्य जगह पे जाना पड़ा था। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ जल निकासी की बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से पहाड़ी खिसक रही है। ये हालात नैनादेवी में भी बन सकते हैं अगर प्रशासन टाइम से इसको नहीं दिखेगा। मैं वार्ड नंबर 3 में रहता हूँ, तो वार्ड नंबर 3 के आप आसपास पहाड़ी में देख सकते हैं पानी की कोई निकासी नहीं है, और यहाँ पहले भी 1978 में फ्लाइड हुआ था। मेरी हिमाचल सरकार से निवेदन है कि सन 1978 में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों का घर जो है
वो बह गया था और वो बेचारे दूर रहे। और नैना देवी में आबादी में भी दरारें आ गई थी और कईयों के घर अभी भी असुरक्षित है। अब मंडी जिले की ये तस्वीरें देखिए। ग्रामीण इस रूह कंपकपाती ठंड में डर के साए में जीने को मजबूर हैं। मामला जिला मंडी के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत विकास खंड बाली चौकी ग्राम पंचायत भटवाड़ी का है, जहां के गांव शाला नाल में फोर लेन निर्माण कार्य की कटिंग के कारण पहाड़ दरकने से लोगों के घरों में दरारें और गांव को जोड़ने वाला एकमात्र सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय लोगों द्वारा इसका कारण मनाली चंडीगढ़ फोर लेन निर्माण के लिए हुई पहाड़ की कटिंग बताया जा रहा है। हमारी ये मांग रहेगी प्रशासन से, ये जो शाला ग्राम पंचायत भटवाड़ी के अंतर्गत जो गांव शाला नाल पड़ता है, यहाँ जो शाला नाल से तहुरा भटवाड़ी को जो रोड जाती है, गांव को लोगों को जोड़ती है, इस रोड में जो है प्रशासन उचित कार्रवाई करे, इस रोड को अच्छे से बनाए और जिन लोगों के मकानों में दरारें पड़ी है, जमीनें पूरी धसरी है, उसका भी उचित मुआवजा देना चाहिए। ऐसी मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, यहाँ पर आए और इसका जायजा ले। नंबर एक तो ये मकान जो भी धसे हुए हैं, बीच में नए भी है वो भी धस गए हैं, और मकान पूरी जमीन में जो है 3.25 बीघे प्लॉट में दरारे पड़ी है, तथा ओली साइड जो है जो पौड़े जी भी 2 बीघे का प्लॉट जो स्लाइड हुआ है वो भी हमारा मिल्कीती है और उपजाऊ जमीन है, और उसका भी उपज मतलब का छेदाम में जो है क्या नाम है वो मुआवजा दिया जाए। वहीं इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन में अपनी खास पहचान बना चुके मैक्लोडगंज में भी अब उत्तराखंड के जोशीमठ जैसे हालात होने का खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यहां भारी संख्या में बहुमंजिला इमारतों का निर्माण होने से भूमि पर बोझ बढ़ता जा रहा है और पहाड़ों पर पानी की निकासी की सही व्यवस्था और सीवरेज का प्रावधान न होना भी आपदा का सबब बन सकता है। बिल्कुल, ये पानी हादसों का सबब बनता है। आपने जोशीमठ में एग्जाम्पल देख ही लिया कि ये पानी जोशीमठ में कितना बड़ा डिजास्टर, आज 723 लोगों को विस्थापित करना पड़ रहा है। और ये सिचुएशन यहाँ ना आए, हिमाचल में ना आए, इसके लिए अभी से कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। वहीं हिमाचल की राजधानी शिमला को लेकर भी महाजन ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि शिमला में भी बहुमंजिला इमारतों का निर्माण बढ़ता जा रहा है जो लैंडस्लाइड जोन में है, जो कि काफी रिस्की है। बेतरतीब भवनों का निर्माण जो है, एक तो पहले कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड है, हर एक सिटी की कैरिंग कैपेसिटी है, उस कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड करेंगे तो लोड बढ़ता ही है। और दूसरा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के पहले आपको फाउंडेशन टेस्ट कराने चाहिए कि वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा सकती है कि नहीं जा सकती है। मैक्लोडगंज पूरा लैंडस्लाइड एरिया है, शिमला का काफ़ी जोन जो है लैंडस्लाइड प्रोन है, अगर वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन सकती है तो दैट विल रिलेट टू एन डिजास्टर। जोशीमठ जैसे ज्वलंत मुद्दे की बात हो रही है, ऐसे में हिमाचल के पहाड़ों पर बन रहे बहुमंजिला भवनों का निर्माण और भारी संख्या में हो रहे सड़क कंस्ट्रक्शन भी एक बड़ा मसला है। उत्तराखंड के जोशीमठ की घटना से हर कोई वाकिफ है, ऐसे में पहाड़ों पर इस तरह की आपदा से बचने के लिए उचित कदम उठाने की जरूरत है। पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही निर्माण किए जाने चाहिए, क्योंकि बहुमंजिला निर्माण से भूमि पर लोड पड़ता है और भूमि खिसकने की संभावना बढ़ जाती है। सूर्य समाचार के लिए बिलासपुर से शुभम राही, धर्मशाला से रविंद्र चौधरी और शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। तो क्यों ना विकास ऐसा हो जो पर्यावरण के अनुकूल हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि जोशीमठ संकट से सरकार कैसे निकलती है और हिमाचल में इस तरह की स्थिति पैदा ना हो उसके लिए हिमाचल सरकार क्या कदम उठाती है, यह आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार।